हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस 2022 का पेपर। वैसे सॉल्यूशंस तो तुमने बहुत सारे देखे होंगे, तो पर्पस केवल ये नहीं कि देर आर गुड क्वेश्चंस, जेई एडवांस क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करेंगे। पर्पस ये होगा कि आखिर जेई एडवांस में डर किस बात का है, व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। और दूसरा पर्पस होगा कि क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। हाँ, कंसेप्चुअल पेपर है, पेशेंस का पेपर है, और सबसे बड़ा पेपर है ये डर का। वो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा डर क्रिएट करता है और हम डर जाते हैं, पैनिक होते हैं और हमसे पेपर गलत होने लगता है। हाँ, वो बात बिल्कुल सर्टेन है कि जिनकी अप्रोच फॉर्मूला बेस्ड है, जिनकी अप्रोच डेफिनेशंस बेस्ड है, उनके लिए पेपर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उनके लिए जो कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा डर है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है अप्रोच की, कि हम किसी बड़े टारगेट को हिट करना चाह रहे हैं तो उसकी कमजोरी से हिट करें, ठीक है ना। और एक कोटेशन मैंने सुना है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, डर के आगे जीत है। एक्चुअली वो जे एडवांस के लिए सूट करता है। ऐसी तमाम सेनाएं थी छोटी छोटी जो निडर होकर के लड़ी और ऐसी बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया जो डरती थी, ठीक है ना। तो जो डरता है वो हारता है, और इस पेपर का यही कॉन्सेप्ट है। और मैंने बोला कि पेपर डिस्कशन का मेन मोटिव है कि हमारी क्वेश्चंस के प्रति अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और मैं एक ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा तुमको कि कितने बेसिक फंडामेंटल को पार्ट को उसने टच किया है, ठीक है ना। जो कूल होकर के नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसके लिए पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। हाँ, एक चीज जो इस साल लोग सामने निकल के आई है, जो यूजुअली होता है, जैसे पेपर में कैलकुलेशन आता है लोग पैनिक हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाई कैलकुलेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो डिफिकल्ट, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारे सिलेबस के बहुत पहले का पार्ट है। क्लास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो जब भी कभी पेपर में कैलकुलेशन आता है हम गड़बड़ क्यों करते हैं, वो हमारा डर है केवल। जबकि हम जानते हैं हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। लेकिन पढ़ाई के प्रोसेस में एक आदत होती है कि मैं हैवी कैलकुलेशन क्वेश्चंस नहीं करने होते। तो मेरा एक सजेशन है कि इसकी आदत डाल लो, और नहीं डालोगे तो सफर करोगे। और एक चीज और मानी गई है कि नंबर्स के साथ प्ले करने वाले लोगों का दिमाग नॉर्मल दिमाग से अच्छा होता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज सर्टेन होती, फोकस, ठीक, कि हम जब भी करें कॉन्सेंट्रेशन से करें, और वो तभी पॉसिबल होता है कि जब हम कूल होकर के करें, कॉन्फिडेंट होकर के करें। तो कॉन्फिडेंस ऐसा डेवलप नहीं होता है, उसके पीछे एक बड़ी सी स्ट्रगल होती है, एक जर्नी होती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस स्ट्रगल को फेस किया, मेहनत करी, फिर भी गड़बड़ किया, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो पैनिक हो गए, ठीक। तो एक सजेशन तो पहला है, कभी पेपर में पैनिक नहीं होना है। जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, जैसा उसको सॉल्व करना है, आता है तो सॉल्व करना है, नहीं आता है सोचना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक। ये पेपर की स्ट्रेटजी है। गेस मार्क का यहाँ पर कोई मतलब होता नहीं कि मैंने कोई ऑप्शन गेस से टिक कर दिया, एडवांस के पेपर में तो सही होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शन होता है जो डिफिकल्ट होता है, तो जरूरी है कि हम उसको कर लें। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो बाकी सेक्शन है जो हम कर सकते हैं। और पहले मुझे तो ऐसा लगा कि कोई बहुत एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिटरली हैं डिफिकल्ट। ओके, चलो पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक क्वेश्चन। और एक और बात, जितनी क्लैरिटी के साथ मैं पेपर को डिस्कस करूंगा, चैलेंज करता हूं, अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, ठीक। तो पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं, उसके मोटिव को समझना पर्पस है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में जे एडवांस में बैठने जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, और अच्छी बात है, एक बड़े टारगेट के लिए अगर कोई असफलता मिली है तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। वो ये बताता है कि हम पैशनेट थे आईटी के लिए, ट्वेल्थ में नहीं हुए, एक मौका हमारे पास है, इसके बाद नहीं आने वाला है, क्योंकि एक ही और मौका मिलता है। तो मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है, अगर किसी छोटी मोटी कमी की वजह से, पैनिक होने की वजह से तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा हो पाया, देन रिपीट इट। ओके, एक साल दे करके पूरी जिंदगी बना सकते हो, ठीक। स्टार्ट करते हैं पहले, मैंने पहले बोल दिया था मोटिव पर्पस, मोटिव कुछ और है, पर्पस कुछ और है। पर्पस सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, पर्पस तुम्हें दिखाना है कि एडवांस का पेपर कैसे सॉल्व करना होता है। पहले पेपर के पहले क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है, उससे स्टार्ट करते हैं। टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी रिस्पेक्टिवली।
बोलता है दो स्टार्स हैं, उनकी डेंसिटी रो ए और रो बी है। ए एंड बी हैव सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, एंड देयर मासेज आर एम ए एंड एम बी। और आगे बोलते हैं एम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एम ए, दूसरे वाले का मास पहले वाले के मास का डबल है। ओके, ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास, किसी इंटरेक्शन प्रोसेस की वजह से स्टार ए अपना मास लूज कर देता है। ओके, सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ, ताकि इसकी रेडियस आधी हो जाए। वाइल इट्स स्पेरिकल शेप इज रिटेन एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, कहते हैं इंटरेक्शन प्रोसेस के थ्रू स्टार ए अपना मास कम करने लगता है, और इतना कम करता है उसकी रेडियस आधी हो जाती है, लेकिन उसके स्पेरिकल शेप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। द एंटायर मास लॉस्ट बाई ई इज डिपोजिटेड एज अ थिक स्पेरिकल सेल ऑन बी, जितना भी मास पहला स्टार लूज करता है वो दूसरे स्टार पर एक थिक मतलब मोटी सेल के फॉर्म में इकट्ठा होता है। ऑन बी विद द डेंसिटी ऑफ द सेल बींग रो ए, और वो जो सेल बनी आकर के उसकी डेंसिटी वही है जो ए वाले स्टार की थी। ओके, वी एंड वी वी आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस, देन फाइंड देन रेशियो इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वो बोला है कि अब जो नया सिस्टम बना है स्टार्स का आफ्टर इंटरेक्शन प्रोसेस, तो उनके सर्फेसिस पर जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है उसका रेशियो फाइंड करना है और उससे हमको एन निकालना है। एज प्रॉमिस कि हम लोगों का पर्पज क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं, हम लोगों का पर्पज है क्या बेहतरीन अप्रोच होनी चाहिए और ये देखना कि क्या वाकई में जेई एडवांस इतना डिफिकल्ट है कि हम 150-200 नंबर नहीं ला सकते। ठीक है ना, आराम से ला सकते हैं। दो स्फीयर्स थे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक स्फीयर ये और दूसरा स्फीयर ये, इसका मास अगर m है तो दूसरे वाले का डबल दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस उसने सेम दिया था, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है। ओके, तो सेम रेडियस है, सेम वॉल्यूम है, तो मैं बोल सकता हूं इसकी डेंसिटी अगर रो मान लेते हैं तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी 2 रो, डेंसिटी डबल है क्योंकि सेम वॉल्यूम में मास की वैल्यू डबल है। अब बोलता है कि एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है कुछ, और उस इंटरेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि दिस स्फीयर इज रिड्यूस्ड टू हाफ रेडियस, अब इसकी रेडियस हाफ हो जाती है, और रेडियस अगर हाफ हो जाएगी तो रिमेनिंग मास क्या करता है वो दूसरे वाले स्टार के ऊपर डिपॉजिट होता है। ऐसे करके इसकी जो पहले रेडियस थी वो कैपिटल आर, और डिपोजिशन के बाद इसकी रेडियस मान लेता हूं कि एक्स के इक्वल है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मास वहां पर डिपॉजिटेड होता है उस मास की डेंसिटी रो रहती है जबकि इसकी खुद की डेंसिटी 2 रो। और एक बात और समझते हैं, उसने पूछा है स्केप वेलोसिटी का रेशियो, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी 11 का स्टूडेंट अच्छे से जानता है 2gm डिवाइडेड बाय r, और इसका उसने पूछा है रेशियो, तो 2 और g तो दोनों के लिए सेम आएंगे, तो रेशियो की जो वैल्यू आएगी v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो m2, उसने एक्चुअली v2 बाय v1 पूछा। ओके, v2 बाय v1, उसने हमसे पूछा है v2 बाई v1, v2 डिवाइडेड बाई v1, तो ये रेशियो कितना आएगा m2 डिवाइडेड बाई r2, और इसका रेशियो निकालेंगे तो m1 नीचे आएगा और r1 ऊपर आएगा। अल्टीमेटली पर्पस क्या है, अल्टीमेटली पर्पस है कि फाइनल रेडियस पता चल जाए और फाइनल मास पता चल जाए, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने आप इसके वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। एक बात और बताना, रेडियस आधी होगी, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, गॉट इट, और वॉल्यूम अगर इतना रेडियस को हाफ कर देंगे तो फिर वॉल्यूम कितना बचेगा 1/8 बचेगा, तो 1/8 अगर वॉल्यूम बचेगा तो इसका मास भी कितना हो जाएगा m/8, टोटल मास कितना माना था m माना था, तो कितना मास चला गया
एम में एम बाई एट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 7m/8 और वो मास यहां पर आ गया एंड दिस मास इज 7m/8। तो इसके पास पहले से ही कुछ मास था, कितना 2m, पर बस समझ में आ रहा है। फाइनल मासेस निकालने, फाइनल रेडियस निकालनी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ओके, तो पहले 2m था और बाद में 7m/8, तो 2m प्लस 7m/8 दिस विल बी इक्वल टू 23m/8। आधा काम तो हो गया हम लोग का, मासेस पता चल गए और आधे का आधा भी हो गया क्योंकि हमें रेडियस भी पहले वाले की बाद में पता चल गई कितनी थी, r/2 थी, मतलब 25% काम बचा है। और वो काम कौन सा है कि इस नए स्टार का सेल बनने के बाद अब रेडियस कितना है। ओके, तो एक बात तो पता है ना, इस रीजन का जो हम लोगों ने सेल का डिपोजिशन किया है, इस रीजन का मास पता है, इस रीजन की डेंसिटी पता है। तो अगर मैं लिख देता मास और डेंसिटी से वॉल्यूम, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? इस टोटल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी, 4/3 pi एक्स क्यूब, इसका रेडियस हमने एक्स माना है ना, और अंदर वाला जो था उसका रेडियस कितना था, आर, तो उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 pi r³। तो इस सेल का वॉल्यूम इतना आ गया, और सेल के वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेल का मास मिलेगा। और सेल का मास है कितना, सेल का मास है 7m/8। ओके, चाहो तो इस m की वैल्यू पुट कर दो या डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं। डेंसिटी इसका है कितना, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना था, 4/3 pi r³। तो ये सारे 4/3 pi कैंसिल हो गए और ये वाला मास भी कैंसिल हो गया, देन रिजल्ट x³ - r³/r³ इज इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8x³ - 8r³ इज इक्वल टू 7r³। इसको राइट साइड पर ले जाते हैं तो 8x³ इज इक्वल टू 15r³। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से सिंपली x की वैल्यू आ गई एंड दैट इज 15 to the power 1/3 into r, और 2 टू 8 का पावर 1/3 करेंगे, दिस विल बी 2। एक थोड़ी सी रे ऑफ होप आ गई, क्या कि 15 to the power 1/3 का फैक्टर तो आने लगा, कि क्वेश्चन में उसने यही दे रखा था, और दिस इज द फाइनल रेडियस ऑफ स्टार बी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करते M2 कितना था, M2 की वैल्यू 23m/8, R1 की वैल्यू r/2, M1 की वैल्यू, M1 मतलब पहले वाले का फाइनल मास एंड दैट वॉज m/8। तो m/8 ऐसे लिख लेते हैं, और R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू लिखना है, और R2 लिखना है नीचे, दैट इज 15 to the power 1/3 into r/2। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, जो भी आंसर आना होगा अपने आप आएगा। एक तो ये r कैंसिल हो गया, एक ये 2 कैंसिल हो गया, एक ये 8 भी कैंसिल हो गया, ये m भी कैंसिल हो गया, और फाइनली बचा कितना, अंडर रूट 23 / 15 to the power 1/3। और इसकी वैल्यू आ गई कितना, रूट ऑफ 23 / 15 to the power 1/3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, उसने लिखा है 10, तो 10 यहां पर लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइड कर देते हैं 2.3 एंड 15 to the power 1/3 एंड योर आंसर इज 2.3। ओके, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जे एडवांस ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं, हमने तो आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ दिया है और तुम तो कर नहीं पाओगे। एक बात तुमको अच्छे से बता दूं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हम ग्रेविटेशन पढ़ते तो सबसे ज्यादा केसेस स्फेरिकल मास के होते हैं, और स्फेरिकल मास का क्वेश्चन केवल जेई में नहीं पूछता है, दुनिया भर के सारे एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, नीट एग्जाम में पूछता है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन गलत करके आने का क्या मतलब था। एक एक क्वेश्चन में ऐसी बात करूंगा
तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लाने का तरीका यही है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमको पता चलेगा हमारा दुश्मन केवल डराता है, इतना ताकतवर है नहीं। ठीक है ना, मैंने बोला था पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है इस पेपर का। और जब तुम एक एक क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन देखोगे तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं सिर्फ एक डर पैदा कर रहा है। हाँ ठीक है, कैलकुलेशंस है और ऑब्वियसली बात कैलकुलेशन है, आराम से साफ सुथरा लिखते चले जाओ और डेस्टिनी तक पहुंचोगे पहुंचोगे। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं बहुत रफ लिखते हैं तो भूल जाते हैं क्या था एम था टू था, कभी कभी मैं ही फोकस नहीं होता तो मुझसे भी गलतियां होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर फोकस, ठीक है ना, कि जो करना है साफ सुथरा करना है। लोग पैनिक होते हैं मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया पूरा मिटाया फिर दोबारा किया, अरे ठीक है ना, अगर लग रहा है पहली बात तो साफ सुथरा लिखो, दूसरी बात क्या है अगर लग रहा है गलत हुआ रीचेक इट, ठीक दोबारा करने की क्या जरूरत है। ओके मतलब पहले क्वेश्चन में हमारी जीत थी, एक ही क्वेश्चन में बात करेंगे जीत है कि नहीं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी जीत, तो नहीं कह सकते ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकता है। इट वॉज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि मोस्ट कॉमन केसेस हैं स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक फॉर्मूला ही तो पता होना था, और कौन नहीं जानता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, नहीं जानता होगा मतलब वो डिजर्व नहीं करता, जो यही नहीं पता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटीज क्या है फिर वो डिजर्व नहीं करता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल मेरा डिस्कशन उनके लिए जो सीरियस रहते हैं, सीरियस भी है और फिर भी गलती करके आते, ठीक है ना। हाँ एक बात इस साल के पेपर के बारे में एक बात बता दूं कि है सब कुछ सिंपल लेकिन एट द लेवल ऑफ स्कोरिंग इन फिजिक्स इज हाईली डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी अप्रोच में कहीं ऐसे प्रोसेस होते ही नहीं है। गॉट इट, ठीक, पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे और ये समझेंगे कि वो हमें डराता है और अगर हम नहीं डरे तो हमारी जीत है, और हम डर गए तो हम हार गए। ठीक, आगे आते हैं। ये आया क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता दूं कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, ठीक, मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी बड़ी कोचिंगों को गलत सॉल्व करते देखा, ठीक है ना, और कुछ बच्चे उनसे गाइडेंस भी ले रहे, ठीक है ना, पता नहीं कोई नॉन अकेडमी है कोचिंग और ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जिन्होंने इस क्वेश्चन को टोटली गलत सॉल्व किया, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इवन तो लोगों ने बोल दिया क्वेश्चन बड़ा सिंपल पर गलत सॉल्व कर दी, ठीक है ना, अच्छा है बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है लेकिन मैंने फिर बोला डिफिकल्ट नहीं, ठीक है ना। काम यही है, इस पूरे डिस्कशन का काम है एक एक सवाल की धज्जियां उड़ानी और एक एक सवाल को बिल्कुल क्लियरली सुन क्लियरली सॉल्व करना है विथ फुल क्लियरिटी, एंड आई प्रॉमिस इतनी क्लियरिटी से कोई तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देने वाला, इतना सिंपली। वैसे भी आइंस्टाइन ने एक बात बोली कि अगर आप सिंपली समझा नहीं सकते और आप सिंपली समझ नहीं सकते हो इसका मतलब आपको साइंस तो नहीं आती, फिजिक्स तो नहीं आती। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं समझाने में और समझने में इसका मतलब हम किसी गलत रास्ते पे। जे एडवांस के बारे में एक बात बोलूं, एक टारगेट दिया गया तोड़ना है उसे, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अप्रोच का प्रॉब्लम है, ऐसी जगह हिट करते हैं ना जो स्टील का बना हुआ है, पटक रहा है पटक रहा है सर पटक रहा है नहीं टूट रहा है। अरे उसकी कमजोरी पे हिट करो ना, उसकी वीकनेस पे हिट करो, अपने आप ही टारगेट टूटेगा, ठीक है ना। हम स्ट्रेंथ पे हिट करें इस बात का मतलब क्या है, हमारी अप्रोच गलत है। हमारी अप्रोच बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए, फंडामेंटली सोचने की होनी चाहिए। एक एक सवाल जे एडवांस का सॉल्व होगा, इवन मैं उस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपली सॉल्व करके दिखाऊंगा जो क्वेश्चन इस साल के लिए काफी डिफिकल्ट माना जाता है, आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, पेपर वन का क्वेश्चन नंबर टू, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन 7 नाइट्रोजन 16 2HE4 1H1 और 8 ऑक्सीजन 19 इन लैबोरेटरी फ्रेम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी न्यूक्लियर मासेज जब एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब एटसेट्रा। ओके, assume that nitrogen is at rest in laboratory frame, the masses of nitrogen, helium, hydrogen, oxygen can be taken to be this much, decimal ke baad teesre place tak value and that is important for us kyunki chhota sa mass ek badi si energy create kar sakta hai, theek hai na, aage aur 1U equal to this much matlab isko bolte hain atomic mass unit,
ओके, उसकी वैल्यू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। हमें पता है mc square equal to this, इसका मतलब ये जो एनर्जी लिखी हुई है ये इतने मास के लिए लिखी हुई है, ठीक है। इतने मास को अगर हम सी से मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। ओके, वैल्यू ऑफ एनएस, पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा है, मैंने नहीं बोला है डिफिकल्ट है, जो फंडामेंटली सोचता है उसके लिए अच्छा है। ओके, 2He नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 16 प्लस 2He4 इज इक्वल टू 1H1 प्लस 8O19। ये तुमको पता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास इफेक्ट पे काम करना होता है। ओके, इन सबके मासेस लिख देते हैं। मासेस उसने दिए हैं नाइट्रोजन का 16.006, हीलियम के लिए मास दिया 4.003, हाइड्रोजन के लिए उसने मास दिया 1.008। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखना चाहिए ताकि मिस्टेक्स ना हो। ऑक्सीजन के लिए मास उसने दिया एंड दैट इज 19.0003। दीज आर रिएक्टेंट मासेस एंड दीज आर प्रोडक्ट मासेस। रिएक्टेंट मासेस को लिख देते 16 प्लस 4 20 और 6 प्लस 3 9 तो 20.009। और प्रोडक्ट जो बना उसके मासेस लिख देते तो 119 20 और 83 11 तो 20.011 यूनिट्स एंड दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, आईटी के पेपर में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों तरफ दिमाग चलते रहना चाहिए, हर बात का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास में कौन बड़ा है। तो रिएक्टेंट का मास 20.009 और प्रोडक्ट का मास है 20.0011। तो प्रोडक्ट का मास, मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब इस रिएक्शन में मास क्रिएट हो रहा है। आइंस्टाइन का वेल नोन रिलेशन E=mc² एम मास एमसी स्क्वायर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर किसी मास का क्रिएशन हो रहा है, मास क्रिएट हो रहा है, तो सर्टेनली कोई ना कोई एनर्जी मास में चेंज हुई है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू मास। अब ये पता कर लेते हैं कितना मास बढ़ गया, तो कितना मास बढ़ चुका है डेल्टा एम। मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सीधे बोल रहा हूं, डेल्टा एम इज इंक्रीज मास। और इंक्रीज मास का मतलब इसमें 20.009 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस विल बी 0.001 यूनिट। मैं क्यू वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कितना, मैं बिल्कुल सिंपली सोचना चाह रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला इतना मास बढ़ चुका है, इज इट ओके। ओके, अब आते क्वेश्चन की असली थीम पर। ये तो मैंने डेटा ऑब्जर्व किया अभी तक कि एक्चुअली क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, अब उस पर आते हैं। मास बढ़ा, एनर्जी आई, एनर्जी देने वाला है कौन, एनर्जी देने वाला केवल हीलियम था, क्योंकि नाइट्रोजन को तो उसने बोल दिया था कि दिस इज एट रेस्ट, और केवल अगर कोई एनर्जी है तो वो हीलियम के पास है। और वो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि हीलियम को कम से कम कितनी एनर्जी दे दे ताकि ये हो जाए। एक बात हमको पता है, मास बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, बट कभी भी मोमेंटम नहीं बदलता है। कुल मिलाकर के केस ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था जो कि हीलियम था, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट था जो कि रेस्ट पर था, और इसके साथ इसका कोलिजन होता है और दो नए ऑब्जेक्ट बनते हैं, और वो जो नए ऑब्जेक्ट बनते वो कोई और नहीं है बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इज इट ओके, ओके फाइन। इस प्रोसेस में मैं नहीं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्योंकि मास का क्रिएशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सर्टेनली जाएगी।
किसी बंदे ने जो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया होगा और इस क्वेश्चन का बहुत प्रॉपर सोल्यूशन निकाला होगा, उसने तुरंत देखा कि यहां पर कुछ और नहीं लिखा है। ये क्रॉस का मतलब कोई एक्स नहीं है, इस क्रॉस का मतलब है नथिंग, सन्नाटा, जीरो, मतलब कुछ नहीं है, एनर्जी भी नहीं लिखी उसने। इसका मतलब इन दिस प्रोसेस नो एनर्जी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी होगी इनके पास होगी, लेकिन रेडिएशन जैसे उसने लिखा होता कुछ गामा रेज लिख दिया होता, न्यूटनो लिख दिया होता, एंटी न्यूटन कुछ भी लिख दिया होता, तो मैं बोलता है कुछ एनर्जी तो वहां जा रही, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है एनर्जी इज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी एनर्जी है वो सिर्फ इनके पास ही रहनी है। जो भी एनर्जी किसके पास रहनी? जो भी एनर्जी फाइनल प्रोडक्ट के पास रहनी है, और फाइनल प्रोडक्ट के पास एनर्जी होगी किस फॉर्म में? या तो काइनेटिक होगी, और बाकी जो मास का क्रिएशन हुआ, बाकी हम लोग अपनी पर्स का हिसाब रख लेते हैं ना कि मम्मी ने 100 रुपए दिए और 50 रुपए मैंने उसको दे दिए और 50 मैंने उसको दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? तो वैसे इसको करना है। हाँ, अब एक सवाल आता है, हाँ, मोमेंटम को सर्टनली कंजर्व रहना, तो मुझे इतना तो पता है कि इतने के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी आएगी और उस एनर्जी को निकाल लेते, 0.001 नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 0.002, तो 0.002 इतना मास था और एक यूनिट के लिए एनर्जी की वैल्यू थी 930, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये 3 डेसिमल थे यहां पर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 06 और 18, मतलब 1.860। दिस मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर मास क्रिएशन। इसका मतलब हीलियम के पास जो भी एनर्जी आएगी इससे तो बड़ी आएगी। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि चेक कर लेते इससे बड़ी है कि नहीं, बहुत सी कोचिंग में बोल दी यही है, नो, मोमेंटम का क्या करेंगे? अगर इसके पास पहले मोमेंटम था तो इनके पास भी मोमेंटम होना पड़ेगा। अब वहां पर क्या सोचना था? वहां पर ये सोचना था, ये तो सर्टेन है कि अगर मैंने इसको बाउंस बैक करा दिया तो फिर मुझे हीलियम की एनर्जी को ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए इसको थोड़ा सा तेज और चलना पड़ेगा। इज इट ओके? तो अगर मैं चाहता हूं कि मिनिमम मोमेंटम रहे फाइनल, मतलब मिनिमम एनर्जी रहे फाइनल, मोमेंटम तो वही रहेगा ना, और हम अगर हीलियम, यही सबसे ट्विस्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि अगर उसने बोला है कि हीलियम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो अगर मैं इसको बाउंस बैक करा देता हूं तो इसके पास आ गया पीछे मोमेंटम, और इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इसको और तेज आगे चलना होगा, मतलब दोनों की स्पीड और ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, इसका मतलब उसमें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो सबसे अच्छा तरीका था कि इन दोनों का इनइलास्टिक कोलिजन करा दो। अब ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, या इसके इंटरप्रिटेशंस गलत आएंगे, या ठीक बोल भी सकते हैं। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा? जब मैकेनिक्स के क्वेश्चन में कोलिजन के क्वेश्चन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, होने दो ना, होने दो, क्योंकि जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा तो हीट जनरेट होती है, दैट हीट इज गोइंग टू क्रिएट मास। इसका मतलब मैं इनइलास्टिक कोलिजन करवाऊंगा भी और फिर ये भी बोलूंगा कि नो, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, या क्रिएट हो रही है तो वो यहां पर किसी रेडिएशन या हीट के फॉर्म में नहीं है, बिकॉज दैट मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन क्रिएटिंग मास। तो मैं यहां पर इनइलास्टिक कोलिजन करवा करके ये इंश्योर कर सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्व कराना भी है और कम से कम एनर्जी की जरूरत भी है। ओके? इसका मतलब ये दोनों सेम स्पीड से चलेंगे। मान लेता हूं इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड v। ओके? मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं, तो जब मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो फिर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इसका मास कितना था? हीलियम का। वैसे मासेस डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखे, बट दीज वेलोसिटीज आर नॉट इक्विवेलेंट टू दोज वेलोसिटीज लाइक c स्क्वायर, तो मैं फिलहाल के लिए 3 प्लेसेस की वैल्यू को ड्रॉप कर सकता हूं फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर तो बहुत बड़ा है, 3×10⁸ का स्क्वायर करेंगे, 8×10⁶, बट वेलोसिटी इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती ना,
No velocity can exceed the value 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8. इसका मतलब मैं डेस चाहो तो लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है. मैं इन वाली वैल्यूज को जो डेसिमल के बाद लिखी है, इन वैल्यूज को मैं इग्नोर कर सकता हूं. तो मैं बोलूंगा कि पहले हीलियम का मास था कितने यूनिट, 4 यूनिट, और हीलियम की स्पीड कितना था, वी नॉट, और इसके बाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो एक का मास था कितना, एक का 19 था और एक का 1 था, टोटल मास इज 20. तो मैं सीधे बोल देता हूं कि 20 टोटल मास था और V से जा रहा, तो V की वैल्यू V नॉट बाई 5. इट मींस अगर हीलियम V नॉट से जा रहा था तो जो प्रोडक्ट बने होंगे वो दोनों V नॉट बाई 5 से जा रहे होंगे. ओके, नाउ एनर्जी कंजर्वेशन पे आते हैं. तो अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन पे आते हैं तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या कि अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी थी कितनी, हाफ इंटू 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर. अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी इतनी थी और ये एनर्जी गई कहां कहां पर, ये एनर्जी गई मास एनर्जी क्रिएट करने में 1.860 और प्लस इनकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई. तो प्लस मास कितना था, 20, टोटल मास 20 था ना, और स्पीड की वैल्यू कितनी थी, V नॉट बाई 5 स्क्वायर, एंड दैट्स इट. हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, मतलब हमें हाफ इंटू 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर निकालना. अब यहां पर ध्यान से सुनना, इसको लेफ्ट में लेके आते, लेफ्ट में 1/2 इंटू 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर, और इसको जब लेफ्ट में लाएंगे तो 1/2 इंटू 20 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.860. इससे 1/2 4 वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो अब जगह नहीं दिख रही तो जगह कुछ बना लेते, यहां बना लेते, इधर ये काम हो चुका है ना, ठीक, यहां पर जगह बना लेते हैं, लिख लेते हैं, इतना कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर. तो इतना कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1, 1/2 कॉमन आया, 4 कॉमन आया तो 5 बचा, और नीचे 5 स्क्वायर था तो एक 5 नीचे बचा, और वी नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ गया तो बचा 1 - 1/5. आई होप मैंने कैलकुलेशन जल्दबाजी में किया, ऐसा ही होगा, 1/2 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो 5 बचा, वी नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे 25 था, 1/5, एंड 1 - 1/5 इज 4/5. तो इसको मैं सीधे लिख देता हूँ, 4/5, एंड दिस इज इक्वल टू 1.860. और ये क्या लिखा था, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, हीलियम की. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस इज 2.3, एंड 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ ऐसे ही आ रहा है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, 2.3 राइट. इतना मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्योंकि जब लापरवाही होती है, जो तुम्हारे साथ होता है सबके साथ होता है, और पेपर का ये डिमांड है कि कैलकुलेशन बहुत फोकस के साथ करना. यस, 2.3. ओके, किस बात पर बेस्ड था क्वेश्चन, किस बात पर बेस्ड था, हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ होता है इसका मतलब हमें बैक जाना पड़ेगा, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो यार ये कोई एक्सक्यूज मैं नहीं मानता हूं. हमने सब कुछ सीखा और हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं तो उन चीजों क्या मतलब है. अगर हम राइट आंसर निकाल के नहीं आ पाते और हमें सब कुछ आता है तो क्या मतलब उस पढ़ाई का. प्ले विद नंबर, प्ले विद कैलकुलेशन, नेवर यूज कैलकुलेटर. ठीक, मेरे पास एक कैलकुलेटर रहता है बट मैं रेयरली कभी यूज करता हूँ, कभी भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन की आदत होनी चाहिए, जबकि मुझे तो पेपर देना भी नहीं, ठीक है ना, तुम्हें पेपर देना है, नेवर यूज कैलकुलेटर. अपने फोन से अपना सब कुछ हटा दो कैलकुलेटर, और नहीं हटता है तो उसको कुछ तरीका होगा, हट जाता है, ठीक है ना. ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, अब ये देखते हैं कि क्या था इसमें.
सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसे इरोटो में बहुत सारे क्वेश्चन लाइन से दिए, एक तरफ से दिए, सिंपल सा क्वेश्चन था मोमेंटम कंजर्वेशन का। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक में भी ऐसी छोटी सी बात एक छोटे से एग्जांपल में कहीं बोली गई है, मोमेंटम कंजर्वेशन को लेकर के एनर्जी से रिलेट किया गया मिनिमम या मैक्सिमम। ओके, बिल्कुल फोकस का क्वेश्चन था कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, कोई भी रेडिएशन नहीं रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑल द एनर्जी रिलीज इफ दैट विल बी यूटिलाइज इन क्रिएटिंग मास, और मास डिफेक्ट का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। हाँ, सिंप्लिसिटी यहां मर रही थी एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लैक ऑफ फोकस, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। तो जब उसने मिनिमम पूछा था तो दोनों को साथ चलाना जरूरी है, इनलास्टिक कोलिजन होगा तो उस केस में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मजाक तो नहीं करना चाहिए, ठीक। इट्स ए काइंड ऑफ कंप्लीट जोक फॉर आईटी, मैं ये नहीं समझ पा रखा क्यों है भाई, जब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ रहे तो ये क्वेश्चन क्यों रखे, बट ठीक है रख दिए ना। लेकिन अगर ये सवाल कोई गलत करके आता ना तो ये उससे बड़ा मजाक है, अगर इसको कोई गलत करके आता है, और ऐसा ऐसा होगा, कुछ लोगों ने सकता गलत भी करा हो, ठीक है ना। तो अगर गलत करके आते हैं बहुत सारे लोग तो बनाने वाले को लगेगा कि नहीं यार मैंने ठीक किया था, ऐसे क्वेश्चन को भी लोग गलत कर देते हैं, तो ऐसे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट कर देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। द फॉलोइंग सर्किट C1, C2, C3, C4, C5 चार्ज स्टोर इन C3 इज दिस मच माइक्रोकूलम, C3 का उसने चार्ज पूछा, मतलब यहाँ पर, एंड C3 कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप, इधर से नहीं देखेंगे, इधर से बीच में कैपेसिटर आ रहा है, बट ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है, और चार्ज पूछा है तो क्यू इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस C3 की वैल्यू थी कितना, 4 माइक्रोफेरड, C3 का पूछा है ना, तो C3 का कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफेरड और पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 2 वोल्ट के इक्वल है, तो चार्ज विल बी 8 माइक्रो कूलम। गलती तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन में गलत हो गया ना तो मजाक हो जाएगा, सबका तो हुआ ही, मेरा मजाक भी हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज 8 माइक्रो कूलम। अब पता नहीं इसका आंसर रेंज में क्यों दिया, ठीक है ना, इसका आंसर की एक रेंज बनाई उसने, रेंज पता है क्यों बनाएगी, क्योंकि हम राउंड ऑफ करना नहीं जानते, हमसे आंसर लिखना नहीं जानते, तो उसने रेंज बना दी, थोड़ा इधर उधर भी करोगे तो भी तुमको नंबर दे देते, क्योंकि नंबर वाकई में कम आ रहे हों, तो रेंज बनाना उनके लिए जरूरी था, अगर रेंज नहीं बनाएंगे तो पता चला बहुत से लोग लुढ़क गए। एक बार ऐसा और आईटी एडवांस किस्ती में हुआ था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछे और उनको फिर अपने आंसर की को भी चेंज करना पड़ा कि नहीं इतने डेसिमल प्लेस तक हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज तो नंबर बहुत ही कम आ रहे थे। ओके, अब यार ये क्वेश्चन जिस प्रोफेसर ने पूछा होगा, पता नहीं वो मजाक के मूड में होगा, ठीक है ना, उसको मजाक करना होगा। ओके, ऑप्टिक्स एज यूजुअल, सिर्फ अगर सिर्फ कोई डर है ऑप्टिक्स में तो कैलकुलेशन का ही होता है यूजुअली, मतलब इन 90% केसेस, और सेम सिचुएशन यहां पर है, बट वो लोग जो पेशेंस के साथ अपने ऊपर भरोसा करते हैं, उनको पता है क्या है, लेंस है, ऑब्जेक्ट है, इमेजेस की बात कर रहा है, पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन है, उनसे हो जाता है, क्योंकि वो आराम से कुछ सोचते नहीं, पैनिक नहीं होते, ठीक है क्वेश्चन आएगा पढ़ेंगे समझेंगे, होगा तो सॉल्व करेंगे, साफ सुथरा सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। कौन तो पूरा ठेका ले रखा है कि नहीं 100% ही करके आना है, अगर होगा 100% तो करेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और भी तो हमारे लिए है ना टारगेट्स ना, एक ही अकेला थोड़ी ना, फिलहाल कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक चलो शुरू करते हैं। रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40π/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3/13 ये इमेज की हाइट दे रहा है
एंड एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन. ओके, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई बाय एन रेडियन वेयर एन इज. हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, क्या करना चाहिए? हाइट दे दी, हमें ये पता कर लेना चाहिए. अगर हमें ये पता चल जाए, तुमको एंगल पता चल जाए, राइट? ओके, वेरी गुड. इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. तो ए वॉज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका इमेज यहां पर बना होगा ए डैस, और बी वॉज बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका इमेज यहां पर बना होगा बी डैस. बस इतना करना है, ए का इमेज डिस्टेंस निकाल लो और बी, या अगर बी से एक परपेंडिकुलर डालता तो यहां पर बनता, और ये था सी, और सी का जो इमेज बना होगा वो सी डैश पर बना होगा. अगर मुझे ये पता चल जाए कि सी डैश का डिस्टेंस क्या है और ए डैश का डिस्टेंस क्या है, तो हमें ये पता चलेगा, और ये पता चलेगा तो फिर टेन अल्फा की वैल्यू दिस अपॉन दिस सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसका ए वाले का इमेज. लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है ना, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ. ऑब्जेक्ट 40 बाई 3 पर है तो यू इज नेगेटिव, और हमें वी पता करना है. वन बाई वी माइनस वन बाई माइनस 40 बाई 3, तो मैं ऐसे लिख दूं चलेगा, इज इक्वल टू वन बाई एफ, और फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, और क्वेश्चन में क्या उसने दिया भी था फोकल लेंथ, कितना फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर. वन बाई वी इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 4 बाई 40, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 3 बाई 40, एंड दिस इज 1 बाई 40. इसका मतलब वी की वैल्यू आ गई कितना, 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर्स क्या मिल गया हमें, ए का इमेज मिल गया ये वाला, एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर्स. अब क्या करना था, अब निकालना था सी का इमेज. तो उसने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ दी थी, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, तो दिस लेंथ वॉज 2 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल 2π/3 था, तो 2π/3 का मतलब है 120, तो दिस एंगल वॉज 60, तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो 2 cos 60 मतलब 1 सेंटीमीटर, cos 60 इज हाफ, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगी यहां से यहां तक 40/3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 43/3 सेंटीमीटर्स. अगर मैंने सब कुछ सही किया तो सही होगा. इसकी लेंथ उसने दिया 2 सेंटीमीटर और ये था 120, तो ये बचा 60, तो ये वाला आ जाएगा 2 cos 60 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और 1 + 40/3 इज इक्वल टू 43/3. अब हमें क्या करना है, इस सी का इमेज बनाना है, और इस फॉर्मूले पर फिर से वैल्यू पुट करनी है. 1/V माइनस 1/U एंड U इज -43/3 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस इज इक्वल टू 1/10. इज इट ओके? यहां से हमको V पता करना है, तो यहां पर 1/V इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/43. इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 43, 430, तो यहां पर आएगा 43. इज इट ओके? और यहां पर 43 आएगा और यहां पर आएगा 30, तो दिस विल बी 13/430, और यहां से हमको v की वैल्यू मिल गई कितना, 430/13, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. ओके, अच्छा बताओ ये क्वेश्चन अभी तक किस लेवल का देखा? आई होप जो लोग हाई 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको भी लेंस के फॉर्मूले यूज करना आता है, ठीक है ना. और हम बोले कि एडवांस का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट यहां तो नहीं था, यहां था. और ये क्या है, कैलकुलेशन. और कैलकुलेशन हम कब से सीख रहे हैं, मैं तो बोलता हूं नर्सरी से सीख रहे हैं ना,
सबसे पहले आते हैं नंबर सिखाए जाते हैं, फिर इसके बाद ऐड सब तक। अजीब सी बात है यार तुम लोगों की, कैलकुलेशन की वजह से तुमने एक अच्छे खासे पेपर को बिगाड़ दिया। बोलता भी रहता हूँ मैं, ट्यूशन लगा लो ना कैलकुलेशन के लिए, एक टीचर रख लो, हायर कर लो, वो तुम्हें रोज आकर के कुछ कैलकुलेशन दिया करे। एक सजेशन दे रहा हूँ, 2023 में जो लोग भी पेपर देने जा रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है किसी भी तरीके से, और उन क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करना है जिनमें कैलकुलेटिव पार्ट है, और ऐसे रिग्रेस कैलकुलेशन जिनको देख करके डर लगता है, डर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डर से लड़ना पड़ता है। डर एक ऐसी चीज होती है, जब तक उससे लड़ोगे नहीं ना तब तक उससे जीतोगे नहीं, ठीक है ना। ये बात तुमने तमाम सारी मूवीज में देखी होगी, एक बार डर गया ना तो ताकतवर भी डरने लगता है। जो डराता है ना ऑपरेशन, वो पता कब तक ताकतवर होता है, तब तक ताकतवर होता है जब तक तुम डरोगे, और जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया उसकी ताकत उसी दिन खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ओके, ये डर है, ये डिफिकल्टी एडवांस की कतई नहीं। अगर तुम बोलते हो ये डिफिकल्ट है ना, तो मैं एक हाई स्कूल के बच्चे से काम करा सकता हूँ, क्लास 10 के बच्चे से करा सकता हूँ, सॉल्व करेगा। ये डर नहीं है, ये तुमने एक कुछ ना कुछ करप्ट बिहेवियर, कुछ करप्ट अप्रोच या करप्ट सोच अपने दिमाग में रख रखी है, इसलिए ये सब पार्ट तुमको जे एडवांस के पेपर को डिफिकल्ट बना देते। ये कहाँ से डिफिकल्ट है यार, वी आर जस्ट पुटिंग सम सिंपल वैल्यूज एंड सॉल्विंग। केवल फोकस की जरूरत है, और फोकस क्यों नहीं होना चाहिए, तुम्हें आईटी जाना तो आईटी जाना है, तो फोकस रखना तुम्हारी जिम्मेदारी ना। एक बार मैं मिस्टेक करूंगा चलेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्यों क्या फर्क पड़ता है, गलत आएगा दोबारा सॉल्व कर दूंगा, मुझे कौन तो पेपर है बैठता है। बट तुम्हें आईटी जाना है ना, तो तुम्हें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 43/13 ये किसका इमेज आ गया, ये इमेज आ गया सी का, और सी का इमेज आ गया मतलब ये 430/13। अरे आप होप क्या, 13 दिख रहा है और 13 यहां पर भी दिख रहा है, तो फिर मैं ये निकाल सकता हूं कैसे, 40-430/13, इसमें इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 520-430/13, एंड दिस विल बी 90/13, हमें ये पता चल गया। और यहां से मैं लिख देता हूं tan of alpha is equal to 30√3/13, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड बेस इज 90/13। तो ये 13 कैंसिल हुआ, यहां पर 3 आया, √3/3 इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 इसका मतलब अल्फा इज 30 एंड 30 इज π/6, और π/6 और बोल रहा है π/n, इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी दैट इज 6। ओके, लेट मी चेक द आंसर। ओके, गॉट इट, 6 एट 6। अबे बेवकूफों बताओ, ये पेपर डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, व्हाट इज मेकिंग योर पेपर डिफिकल्ट, इट्स ओनली यू नॉट द पेपर। इससे सिंपल क्या पूछेगा यार, एक लेंस का, वो भी कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है 1/V, मैग्नीफिकेशन की भी बात नहीं करी उसने कि ठीक है, मुझे तो लगा क्वेश्चन देखने के बाद लगा कि हो सकता है मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हो, उसने वो भी नहीं करा, उसने सिंपली बस बोला दो बार फॉर्मूला यूज करो, ट्रायंगल का एक साइड गिवन है, दूसरा साइड कैलकुलेट करो, एंड स्टिल यू आर सेइंग द जे एडवांस इज डिफिकल्ट। एक एक सवाल की धज्जियां उड़ाएंगे, धज्जियां सवालों की नहीं, तुम्हारे सोच की और तुम्हारी अप्रोच की भी उड़ाएंगे, तभी बदलेगी। 2023 के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, सिर्फ अपने डर से लड़ना है और कुछ नहीं, एक एक सवाल में ही करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं इस क्वेश्चन पर और देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, कि जिसकी वजह से एडवांस का एग्जाम भी बदनाम हो चुका है, ठीक है ना। ओके, इसकी भी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। एट टाइम t=0 द डिस्क ऑफ रेडियस, कुल मिलाकर के जे एडवांस का एग्जाम जस्ट फोकस का, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्फिडेंस का, कूल रहने का एग्जाम है, ठीक है ना। प्रेशर लेके करेंगे वो डर आ जाएगा ना, अरे यार कुछ बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना है, जैसे अपने डेली लाइफ में
छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने वो कहा, डेली लाइफ में सब कुछ करते हैं, एक जरा सी बात ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो छोटी छोटी बातों को अब हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, एंड दैट मेक्स अ सिंपल क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक, देखते क्या है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग, उसने शुरू किया, मतलब वो रेस्ट पर थी। ओके, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अ स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, इट इज एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन, लेटर टाइम टी इक्वल टू रूट पाई सेकेंड द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, flies off tangentially, flies off tangentially from the disk, the maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is, plane से maximum height half plus x by 10, we have to find the value of x। question कुछ ऐसा है, एक disk है horizontal plane पर और ये time है t equal to zero इस समय, और इसकी रेडियस गिवन है एंड रेडियस इज 1 मीटर, और t इक्वल टू जीरो पर ये किसी एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा से स्टार्ट करती है जिसकी वैल्यू उसने दिया है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर कहता है रूट पाई टाइम के बाद, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को अपना फ्रेम मान लेता तो मुझे तो केवल रोटेशन दिखता, तो इतने टाइम में उसने कितना एंगल कवर कर लिया होता, दैट इज हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 2/3 और टी स्क्वायर की वैल्यू पाई, तो दिस विल बी पाई बाय 3 रेडियंस, एंड पाई बाय 3 रेडियंस का मतलब है 60 डिग्री का एंगल। इसका मतलब जब ये इतना रोटेट कर चुकी होगी तो उस समय, और ये पार्टिकल यहां पर स्टिक किया, तो वो जो पार्टिकल था वो यहां पर पहुंच चुका होगा एंड दिस एंगल इज 60। हम लोग तो इस फ्रेम में बैठे हैं ना, सेंटर के फ्रेम में। फिर बोलते हैं कि दिस पार्टिकल डिटैचेड इटसेल्फ फ्रॉम द डिस्क एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। अब यहां पर अगर ये बात ना लिखता है तो फिर ट्रबल आती, कैसे, प्योर रोलिंग हो रही, रोटेशन भी है और साथ में ट्रांसलेशन भी है, तो एक वेलोसिटी टेंजेंशियल आती है ऐसे ड्यू टू रोटेशन और एक ट्रांसलेशन की वजह से आती है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आता, लेकिन उसने इस बात को अवॉइड करने के लिए लिख दिया है कि दैट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। तो अब ज्यादा नहीं सोचना है, दैट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली मतलब वो केवल रोटेशन की स्पीड को ही काउंट करेगा, तो इस समय जो इसके पास स्पीड आएगी दैट विल बी आर इन टू ओमेगा, रेडियस की वैल्यू 1 है, ओमेगा भी निकाल लेते। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू 2/3 और टाइम की वैल्यू रूट ऑफ पाई, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कितना, 2/3 रूट ऑफ पाई, हमें वेलोसिटी पता चल गई। अब एक बात समझ में आती है कि पार्टिकल तो डिटैच हो चुका है ना, और अगर ये पार्टिकल डिटैच हो चुका है ये तो ग्रेविटी में मूव करेगा, तो ये इस पाथ पर मूव करेगा, और उसने हमसे पूछा है कि ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ये वाली हाइट तो ऑलरेडी कवर कर चुका है, ये कितना था 1, ये कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, और टोटल कितना था 1, तो ये भी कितना आ जाएगा हाफ, तो ये वैल्यू तो हमें पता है हाफ, और ये वैल्यू उसने यहाँ पर लिख भी दिया हाफ। इसके बाद ये वाली मैक्सिमम हाइट हमें और पता करनी, इसको लिख देते हैं एच मैक्स, और एच मैक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। थीटा और निकाल लेते हैं, तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये 60 था, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना आएगा 60 आएगा, 30, 90, 60, 180 होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर का मतलब 4/9 इंटू पाई इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय 2, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10। क्या क्या कैंसिल हुआ, ये 4 कैंसिल हुआ और
एक थ्री कैंसिल हो गए तो यहां पर थ्री बचेगा एंड दिस विल बी पाई बाई सिक्स एंड पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाई सिक्स द वैल्यू विल बी 0.52 इतना तो 0.52 एसआई सिस्टम में है तो मीटर में तो उसने आंसर को लिखा है 1/2 और हम लोग का आंसर आ रहा है 1/2 प्लस 0.52 और डिवाइडेड बाय 10 लिख देंगे तो दिस इज 5.2 डिवाइडेड बाय 10 एंड आवर आंसर फॉर एक्स विल बी 5.2 ओके सबसे पहले आंसर चेक कर लेते हैं An answer is 0.52. That is correct. Answer is ये कितना आया था 5.2. तो answer is 0.52. Correct. क्या समझ में आया? क्या था इस question में? Normal circular motion वाले result. Angular velocity is equal to omega naught plus alpha t, angle covered equal to omega naught t plus half alpha into t square, and maximum height of the projectile is u square sin square theta divided by 2g and that is making our paper difficult okay अभी देखते हैं कौन सा difficult सवाल आने वाला है एक-एक करके सारे questions की धज्जियां उड़ाते हैं purpose समझ में आ रहा होगा purpose सबसे पहले अपने डर को खत्म करना डर खत्म कर लो एडवांस के रास्ते इजी हो जाएंगे एकदम इजी हाँ ये शर्त है कि तुम्हें चीजों को समझ के पढ़ना होगा यहां पर फॉर्मूले चिपकाने वालों का एडवांस में कोई जगह होता नहीं ठीक है ना कौन सा फॉर्मूला रट के आए थे कौन सा यूज हो रहे हैं बस बेसिक जो लॉज हैं जो बेसिक 11 12 के फॉर्मूले थोड़े बहुत एक चैप्टर में दो या तीन या चार कुछ लोग तो ऐसी पढ़ाई करते हैं कि भैया एक ही चैप्टर में उस हर केस का एक अलग फॉर्मूला बनाते उनको ऐसा लगता है कि जेई एडवांस उनसे यही क्वेश्चन पूछने वाला है दिख रहा है कोई क्वेश्चन जो कहीं से उठाया गया हो नो वो अपना क्वेश्चन खुद बना रहा है ठीक है ना तो अगर अपना क्वेश्चन खुद बना रहा है तो क्वेश्चन के केसेस बना के क्या ही करोगे ना जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स रीजंस लॉजिक कैलकुलेशन ठीक है ना कॉन्सेंट्रेशन और सबसे बड़ी बात है फियरलेसली बिलीव योर सेल्फ अच्छे से काम करो अपने ऊपर भरोसा करो जब पेपर देने जाओ क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो समझ में आता है कोशिश करो सॉल्व करो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट ये हो सकता है मुझसे नहीं हो रहा है तो लीव इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन जो करो परफेक्ट करके आओ क्योंकि चार क्वेश्चन गलत होने का मतलब वो तो ले ही जाता है नेगेटिव मार्किंग ऐसी खासी है कि अगल बगल वाले भी निपट जाते हैं जो आते हैं अभी ना उसको भी नेगेटिव कर देते हैं ठीक है ना ओके देखते हैं भाई इसमें क्या है आईटी एडवांस 2022 रिसेंट होगा कोई बड़ा सा क्वेश्चन वो तो बाद में पता चलेगा कितना बड़ा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रेडियस अच्छा इस पेपर की अच्छी बात है ज्यादातर वैल्यूज 1 में दिए मतलब उसने कोशिश करी कि तुम्हारा कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो कितनी हेल्प कर रहा है तुम्हारे यार हर रेडियस को 1 meter दे रहा है ठीक है ना मास 1 kg मास भी दे रहा है 1 kg और बताओ क्या करे तुम्हारे लिए अरे इसके बाद भी तुम बोलोगे पेपर डिफिकल्ट है तो फिर भैया तुम ही मालिक हो या तुम मालिक हो या तुम्हारा मालिक ही मालिक ठीक है ना मतलब हम सबका मालिक ऊपर वाला मास 1 kg रेडियस 1 meter रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 ये वाला एंगल हमें दे रहा है एंड दिस एंगल इज 30 degree From the horizontal, two forces of magnitude 1 newton each parallel to the incline acts on the sphere, both at a distance 0.5. ये वाला distance दे रहा है 0.5 और ये वाला दे रहा है 0.5 from the center और ये force भी 1 newton दे दिया. अब बताओ क्या चाहिए? 1 newton and 1 newton. Okay, as shown in the figure. The acceleration of the sphere down the plane in meter per second square is. अब बताओ तुम्हारी वो क्या मदद कर रहा है? हर वैल्यू को 1 दे रहा है.
एक आध वैल्यू ये भी वन दे दिया उसने, 0.5 0.5। ओके क्या होगा, इस स्फीयर पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, उसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एंड दैट कॉम्पोनेंट विल बी, कहो तो सीधे वैल्यूज में लिख दू, जी की वैल्यू के बारे में बोला है ना 10, तो एम जी साइन 30, एम था 1, जी था 10 और साइन 30 की वैल्यू आएगी हाफ, तो दिस विल बी 5 न्यूटन। एम जी साइन 30 इज वॉट, 5 न्यूटन। ओके एक और फोर्स आ रहा होगा ग्रेविटी का, इधर लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, फ्रिक्शन को एफिशिएंट दे नहीं रहा, इन दोनों फोर्सेस का तो हो रहा है कैंसिलेशन और ये वाला फोर्स लग रहा है सेंटर पर, इसका मतलब अगर यही अकेला फोर्स होता तो ये ऐसे करके ट्रांसलेट करता तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें मिल गई और प्योर रोलिंग का मतलब है कि दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ओके इतने फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन हमको मिल गए तो पक्का इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई ना कोई एक्सलरेशन होगा जो कि उसने हमसे पूछा है, तो एक इक्वेशन तो बना ही सकते हैं, क्या नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना 5 और फ्रिक्शन लग रहा था ऊपर -Fs इज इक्वल टू मास की वैल्यू 1 और एक्सलरेशन की वैल्यू ए, लेकिन हमें फ्रिक्शन नहीं पता, फ्रिक्शन पता होता तो एक्सलरेशन मिल जाता। ठीक एक इक्वेशन ट्रांसलेशन की हमने ऐसे लिख दी, अब दूसरी इक्वेशन लिखते किसकी, रोटेशन के लिखते, तो इसके पास कोई ना कोई एंगुलर एक्सलरेशन होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसने किसने दिया, ये कपल ऑफ फोर्स है, मैंने कई बार बताया होगा तुमको पता होगा कि दो फोर्सेस अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू किसी भी पॉइंट के अबाउट उनका टॉर्क फिक्स होता है एंड दैट टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेज, तो डिस्टेंस तो वन दे रहे ना, और इन कपल ने फोर्स कैसे लगाया टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इनका टॉर्क आ गया 1 × 1 मतलब 1 और क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटी तो टॉर्क नहीं दे रही, तो फ्रिक्शन ने क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज 1 मीटर, तो एफ एस इनटू 1 और माइनस ये दोनों मिलकर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, तो दैट इज 1 × 1 एंड दैट इज 1, फोर्स 1 था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 1 था, तो ये नेट टॉर्क आ गया इस सेंस में अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, तो दिस विल बी 2/5 मास की वैल्यू 1 रेडियस की वैल्यू 1 2/5 कितना करे सिंपल कैलकुलेशन तुम्हारा, उसने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 इंटू अल्फा और प्योर रोलिंग का केस है तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू आर अल्फा और आर की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा को मैं सिंपली ए लिख दूं चलेगा, मैं क्यों अपना एक वेरिएबल बढ़ाने की कोशिश करूं, हमें तो अच्छा है स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, इन दोनों से फ्रिक्शन गैप करो अपने आप एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी और उसके लिए क्या करते हैं इनको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों कैंसिल, 5 - 1 = 4 एंड 2/5 a + a इज इक्वल टू 7/5 है, तो a इज इक्वल टू 20/7 तो आएगा 2.8 थोड़ा सा और एक डेसिमल प्लेस पे जाएंगे तो 2.9 के आसपास आ जाएगा एंड दिस इज योर ट्रांसलेशनल एक्सलरेशन मतलब एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट मी चेक माय कैलकुलेशन एंड दिस इज 2.80 से लेकर के 2.92 करेक्ट, इसका आंसर आ गया कितना 2.8 और अगला भी वैल्यू आएगी कुछ कुछ 5 आएगी, ठीक है 2. इज द आंसर और एक डेसिमल प्लेस तक लिखना और एक और कैलकुलेट कर लो, अब इसमें कोई डिफिकल्टी ट्यूशन लगा लो, ठीक है ना, एक टीचर तमाम सारे टीचर होते हैं क्लास 8 तक के जो कैलकुलेशन सिखाते हैं बच्चों को प्राइमरी स्टूडेंट्स को, तो उनको बोलो कि मुझे भी एक घंटे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना सिखा दो, क्योंकि हमारे एडवांस के पेपर में अगर हमसे कुछ बिगड़ता है ना तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ता है, ठीक है ना, आई एम जस्ट जोकिंग, फोकस ऑन योर कैलकुलेशन। ओके क्या था इस क्वेश्चन में पर्पस, डिफिकल्ट था,
अब रोटेशन का ऐसा सवाल पूछेगा और ये लगेगा कि ये डिफिकल्ट है तो फिर समस्या, क्योंकि रोटेशन के तो बड़े हिलाने वाले क्वेश्चन पूछता रहा है, तो अब की बार तो उसने कुछ पूछा भी नहीं, ठीक है ना। बट स्टिल देयर आर स्कोप्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, हैं गलतियां हैं लोगों ने की, और इस बार इसीलिए शायद समझने में आ रहा है कि काफी कट ऑफ नीचे जाने वाला, काफी कम नंबर पे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल आना ही होता है, फैराडेज लॉ, एलसीआर सर्किट्स, आना ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट, कुछ ना कुछ तो पूछना है उसको, ठीक है ना, इंडक्शन से कुछ ना कुछ पूछना है। ओके सुनते हैं, देखते हैं क्या है, कितना डरावना है। ओके, कंसीडर एन एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस एल इक्वल टू 0.1 हेनरी, कैपेसिटेंस 10^-3 फैरड, कैप्ड ऑन अ प्लेन, द एरिया ऑफ द सर्किट इज 1 मीटर स्क्वायर, इट इज प्लेस्ड इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी नॉट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किट एट टाइम t=0, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लीनियरली एज अ फंक्शन b=b0+βt, वेर β=0.04 Tesla/s, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट इन मिली एम्पियर, हमें यह बताना। ओके पहले तो सर्किट बना लेते, इस सर्किट में एक कैपेसिटर, इस सर्किट में एक इंडक्टर, और ये सर्किट ऐसा है, कैपेसिटेंस की इंडक्टेंस की वैल्यू दे रहा है 0.1 हेनरी, L इक्वल टू 0.1 हेनरी, एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 10^-3 फैरड, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, और इसका एरिया भी गिवन है इस पूरे लूप का, राइट, एरिया, और उसने भी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया है कि दैट एरिया इज 1। इस सर्किट में कोई बैटरी तो है नहीं, और ना उसने बोला है कि इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज है, ना इस सर्किट में कोई करंट है, बट t=0 पर मैग्नेटिक फील्ड ने बदलना शुरू कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलेगी तो पहले तो फ्लक्स निकाल लेते, फ्लक्स इज इक्वल टू b0+βt इंटू एरिया 1, तो दिस इज योर फ्लक्स, तो हमें EMF मिल गया, एंड दैट विल बी -d∅/dt, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बीटा इन मैग्नीट्यूड। ओके मैं साइन फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, बैटरी कैसे लग जाए उस पर, दोनों सीरीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस सेंस में। तो बीटा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज 0.04 Tesla/s, मतलब SI सिस्टम में खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ और होगा। कुल मिलाकर के यहां पर जो इंड्यूस EMF आ गया, वो इंड्यूस EMF एक कांस्टेंट बैटरी की तरह, तो तुमसे सिर्फ इतना बोल रहा है कि इस सर्किट में एक बैटरी लगा दो, इस सर्किट में क्या करना है, बस एक बैटरी लगा दो, और उस बैटरी का EMF भी कांस्टेंट है, और उसके EMF की वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि 0.04 वोल्ट है। SI सिस्टम में अगर लिखेंगे तो वोल्ट ही आएगा ना। एंड नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू अ DC बैटरी सर्किट विद कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब मुझे लगता है कुछ यहां पर बचा नहीं, हाँ डरावना था तो उसने फैराडे लॉ भी यूज कर लिया, LC सर्किट भी यूज कर लिया। LC सर्किट की खास बात क्या होती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता, कैपेसिटर के पास रहती है, इंडक्टर के पास रहती है, ठीक है ना। अब ये इवेंट हुई है t=0 पर, तो t=0 पर अब ये बैटरी की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और वो करंट ऐसे, तो यहां पर एक चार्ज आएगा प्लस क्यू, यहां पर एक चार्ज आएगा माइनस क्यू, यहां पर आएगा करंट आई। ओके उसने हमसे पूछा क्या था, उसने पूछा था मैक्सिमम करंट इन द सर्किट,
तो इसको सॉल्व करने के अपने तमाम सिंपल तरीके भी हैं, अदरवाइज हम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। अगर हम किरचॉफ्स ला लगा दें यहां पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ई प्लस क्यू बाई सी और प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर किरचॉफ्स ला लगाएंगे तो ऐसे तो लिखेंगे ना। ओके, एक बात बताना है, क्या ये क्वेश्चन कहीं देखी, वैसे आगे को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अपने आप कैसे सॉल्व होगा इस बात को समझना। डीसी बैटरी लगी, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो ये वाला टर्म जो बन जाएगा, दिस विल बी एल डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, और इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो दिस इज ई माइनस क्यू बाई सी। कुछ ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ एसएचएम है, काइंड ऑफ एसएचएम दिख रहा है, लेकिन नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, और एग्जैक्ट फॉर्म तो मैं देखना है, वैसे क्वेश्चन इसके बिना भी सॉल्व हो रहा है, बट मैं फिर भी एक सही पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। इसको एग्जैक्ट एसएचएम के फॉर्म में लाना है, और एग्जैक्ट एसएचएम के फॉर्म में लाना है तो एक काम कर सकते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सी, और इसको डिफरेंशिएट कर देते डी क्यू बाई डी टी। ई का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो और माइनस वन बाई सी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी। ओके, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई सी एंड डी स्क्वायर स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, मैंने बोला क्वेश्चन इसके बिना भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या क्या जाता है एक बार देख लेते हैं ना। तो इस डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर को इसके फॉर्म में लिख देते हैं, कितना आएगा, एल पहले से था, एक माइनस सी आ गया, एंड दिस इज डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। और इस वाली वैल्यू को तो हमने पहले से क्यू मान रखा है ना, तो दिस इज क्यू। और हमारे पास अब जो रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू। और ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैपिटल की, इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी। बाकी सब पता है कि ओमेगा कैसे निकालते हैं, यहां पर ओमेगा की वैल्यू आ रही वन अपॉन रूट ऑफ एल सी, ओमेगा इज वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। ओके, तो कैपिटल क्यू का फंक्शन आ रहा है, और कैपिटल क्यू हमने मानना था इसको, इसका मतलब चार्ज का भी कुछ ऐसे फंक्शन आ रहा है, एंड चार्ज इज वेरी साइनोसॉइडली, मतलब कभी मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर अपोजिट साइड पर मैक्सिमम होगा। और अगर ये चार्ज का फंक्शन आ रहा है तो करंट का भी ऐसे आने वाला है, क्योंकि मैं चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और मुझे करंट मिलेगी, तो करंट का भी फंक्शन साइनोसॉइडल आने वाला है। इज इट ओके और नॉट, यस। हाँ, एक सिंपल मेथड डायरेक्ट आंसर आएगा, वो बाद में डिस्कस कर देता हूं। हाँ, जिस तरीके से सोचना चाहिए मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक। ओके, बैटरी का ईएमएफ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इस कैपेसिटर का चार्ज फ्लक्चुएट करेगा साइनोसॉइडली, और इस इंडक्टर का करंट वो भी साइनोसॉइडली फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है ना। तो साइनोसॉइडली फ्लक्चुएट करने का मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब करंट की वैल्यू जीरो होगी, तो जिस समय करंट की वैल्यू जीरो होगी, इसके साथ भी ऐसा, एक बार करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसके साथ भी ऐसा होगा, राइट। तो चार्ज और करंट चेंज हो गए तो उनके वोल्टेज भी तो चेंज होंगे, और टोटल वोल्टेज का सम कितना है, दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इसका मतलब जब इस, हाँ एक चीज और यहां से देख सकते हो, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वहां पर आती जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो आता है, जब उसने मैक्सिमम करंट की बात करी है तो उस समय डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो। जब मैक्सिमम करंट होगा उस समय मैं ये पता कर सकता हूं कि चार्ज कितना है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सीई,
जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, और किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब वो मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव साइड पर मिनिमा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमा, बट मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना। मैं बोलता करंट आई है मैक्सिमम, और फिर बोलता मिनिमम करंट माइनस आई मैक्स है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। इसका मतलब है जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो आएगी उस समय सर्किट का करंट मैक्सिमम होगा, और उस समय कैपेसिटर के पास चार्ज आ गया सी, इसका मतलब ये सारा वोल्टेज इसको मिल गया, ये सारा वोल्टेज इसको मिल गया, तो इसके पास चार्ज की वैल्यू उस समय आ गई कितना, सी ई। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट, या तुम पूरा इससे सॉल्व कर लो कि हमारे पास इक्वेशन आ रहे, या मैं डायरेक्टली बता देता हूं यहां से, ये प्रॉपर हमारे पास इक्वेशन है, करंट का फंक्शन निकालो, और करंट का फंक्शन निकालना है कुछ नहीं करना है, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू को स्मॉल क्यू के फॉर्म में लिखना है, और इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट करने के बाद डी क्यू बाई डी टी आएगा, और डी क्यू बाई डी टी को मैक्सिमाइज कर देना, साइन फंक्शन है। अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, और मैं ये बोलूंगा कि जिस समय डी आई बाई डी टी जीरो होगा उस समय सर्किट का करंट मैक्सिमम होगा, और वो करंट हमें निकालना है कि कितना होगा, तो निकाल लेते हैं उसको, हटा देते हैं और प्रॉपर फिर से शुरू करते हैं। कैपेसिटर क्वेश्चन समझ में आया, ओके उस मेथड से भी सॉल्व कर लेना। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, और ये बैटरी, बैटरी का एमएफ मैं भूल गया हूं शायद 0.04 था, इसका इंडक्टेंस था 0.1, और कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 10^-3, और जिस समय करंट जीरो, जिस समय करंट मैक्सिमम था उस समय इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी थी, उस समय इसके पास चार्ज की वैल्यू आ गई थी सी ई, और सी ई का मतलब था 0.04 × 10^-3, तो दिस इज 4 × 10^-5, उसके पास इतना, और ये किस में दिया है, दिस इज इन माइक्रोफेरेट, दिस इज इन माइक्रोफेरेट, तो ये चार्ज आएगा माइक्रो कूलम्स में, उस समय इसके पास इतना चार्ज होगा। अब मुझे क्या सोचना है, इस समय करंट मैक्सिमम है आई मैक्स, बस मैं इतना सोचूंगा ना, इसके पास ही तो चार्ज आया है, किसने दिया, बैटरी ने दिया, इसका मतलब इस समय तक बैटरी ने कितना चार्ज भिजवा दिया, 4 × 10^-5, तो बैटरी ने वर्क कितना किया, 0.04 ईएमएफ इनटू चार्ज 4 × 10^-5, इतना बैटरी ने वर्क किया, और इस बैटरी का वर्क का एक हिस्सा इसके पास चला गया, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी, कैपेसिटर के पास एनर्जी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 10^-3, और V स्क्वायर का मतलब है 0.04 का होल स्क्वायर, और प्लस इस समय इंडक्टर का करंट मैक्सिमम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो हाफ L इंटू आई स्क्वायर, और L की वैल्यू को लिख देता हूं 0.1, और आई स्क्वायर मैक्स की वैल्यू हमें निकल, इतने तो सोचना है ना, मैक्सिमम करंट की स्टेज पर इसका हमें चार्ज पता है, वो चार्ज किसने भिजवाया, बैटरी ने, और इसके पास कोई करंट है, तो करंट है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पास एनर्जी, तो सारी एनर्जी किसने दी है, बैटरी, कोई रेजिस्टर इस सर्किट में ना होने की वजह से एनर्जी का कोई भी वेस्टेज नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आई मैक्स निकालना, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा दिख रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है, इस टू को यहां से हटाते हैं, इस टू को यहां से हटाते हैं, यहां पर कर देते हैं 8, ओके, ये डेसिमल हटा देते हैं और यहां पर कर देते हैं -7, और ये आ जाएगा 32 × 10^-7। अब इधर आते हैं तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो 10^-2 का स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा 10^-7 × 60, और प्लस 0.1 × IMAX² इसको इधर लेकर के आते हैं, 32 − 16 कितना आएगा, 32 − 16 = 16 × 10^-7 डिवाइडेड बाई, ये लिखा है 1/10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 10^-6, तो आई मैक्स की वैल्यू आ गई, आई मैक्स स्क्वायर इज दिस, देन आई मैक्स इज इक्वल टू 4 × 10^-3।
एम्पियर, और अगर ये एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में कितना आंसर आ गया? 4 मिली एम्पियर। या तुम, मैंने पूरी क्वेश्चन तो सॉल्व कर दी सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वहां से चार्ज को निकाल सकते हैं Q=Qmax sin ωt + φ, और करंट उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे तो I=Imax sin ωt + some φ′, और साइन की वैल्यू जब 1 होगी उस समय उसका करंट मैक्सिमम होगा, तो वहां से भी निकालोगे तो ये आंसर आने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर ट्रिक भी थी, डायरेक्टली सोच सकते थे, वो तो मैंने तरीका बता दिया तुम्हें। तो एलसी सर्किट ऐसे ही होते हैं, और मैं बोल सकता हूँ एलसी सर्किट के टाइप के क्वेश्चंस क्या सिंपल क्वेश्चन है। एलसी सर्किट था, एक बैटरी जुड़ दी कॉन्स्टेंट ईएमएफ की थी, तो अब इससे सिंपल क्वेश्चन एलसी सर्किट में क्या पूछेगा? इज इट ओके? वॉज इट डिफिकल्ट? नो। क्या डिफिकल्ट था? क्या था? डर था हमारे अंदर, केवल हमारे अंदर डर है, और हम उस डर से जीत नहीं पाए। अगर नहीं जीत पाए तो नहीं कर पाए। हाँ, जो डर से जीत गया होगा वो करके आया होगा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे बेसिक फंड, हाँ कैलकुलेशन है, डेफिनेटली है, और वो इसलिए कि तुम कैलकुलेशन नहीं करते। अब ये कैलकुलेशन कोई बड़ा कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पर ये बोला जा सके कि नहीं पेपर तो जे एडवांस का बहुत डिफिकल्ट आता है? नो, केवल डर है, उस डर से तुम्हें लड़ना है। ओके, अगले सवाल की भी धज्जियां उड़ा के देखते हैं क्या होता है। जैसे मुझे धज्जियों का मतलब नहीं पता, लोग बोलते हैं और मैं ही बोलता हूं, ठीक है ना। ओके, लग तो रहा है कैसा डरावना? नहीं भाई, प्रोजेक्टाइल लिख दिया उसने, मतलब उसका कितने सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के पूछेगा भाई, अभी और आएंगे कल। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद ए स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at a highest point in its trajectory, the projectile enters a different region where effective acceleration due to gravity is g by 0.81, then new range d dash equal to nd. N की वैल्यू उसने हमसे पूछी, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकता। उसने ऐसे बोला, उसने बोला एक पार्टिकल को हमने फेंका, कितने से? थीटा से, और यहां पर जो इफेक्ट, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था वो जी था, तो शायद वैसे चलता। तो वो बोलता है कि दिस रेंज इज डी, तो ये रेंज आ गया डी, इस डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। और डी की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2θ डिवाइडेड बाई जी, हमने डी की वैल्यू को लिख दिया। लेकिन एक बात बोलता है, कहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक डिफरेंट एक्सलरेशन आता है ड्यू टू ग्रेविटी, और अब रेंज हो जाती है कुछ और। तो जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर आता है, अब इसके बाद इसका एक्सलरेशन जी की जगह जी बाय 0.81, तो एक्सलरेशन बढ़ गया घट गया? ये तो बढ़ गया ना, इसका मतलब है नीचे जल्दी पहुंच जाएगा, और जल्दी पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम टाइम लगेगा। अब यहां पर गिरा, एंड दिस इज योर न्यू रेंज। इन्हीं दोनों में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, ठीक। तो डी तो हम निकाल चुके, डी डैश निकालना है, तो डी डैश के लिए एक बात तो लिख सकते हैं ना, डी डैश आधा तो कवर कर ही चुका है ना ये वाला, तो डी डैश को लिख सकते हैं डी बाई टू, जो पहले रेंज थी उसका आधा तो आ ही चुका है ना, और हमें ये और निकालना। इतने तो निकाल लेना, इसको मान लेते x, जब यहां पर पहुंचेगा तो इसके पास स्पीड कितनी होगी? u cos theta, रीजन हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं बदलती है क्योंकि एक्सलरेशन वर्टिकल होता है। तो अगर हमें x पता करना है, तो x पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, और ये वाली हाइट हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कितना h max। तो h max is, अगर मैं h max की बात करता तो u square sin square theta divided by 2g, और ये हाइट नीचे कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये और बताना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में समय कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो केवल एक्सलरेशन ने गिराया है, एंड दिस इज हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और g की वैल्यू g डिवाइडेड बाई 0.81।
इस वाली वर्टिकल डिस्टेंस को टी टाइम में सिर्फ एक्सेलरेशन ने गिराया है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस समय कोई भी वेलोसिटी नहीं है, और इसको इसके इक्वल कर देना, राइट। तो यहां से हमें टी की वैल्यू मिलेगी, और टी की जो वैल्यू आएगी, पहले टी स्क्वायर लिख लेता हूं, तो टी, ये टू और टू तो कैंसिल हो गया, एंड टी स्क्वायर इज 0.81 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी इज इक्वल टू, दिस इज 0.9 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इतना टाइम लगेगा इस हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने, और इतने टाइम तक ये वाली वेलोसिटी काम करती रहेगी, तो हमें यहां से x मिल जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू को लिख सकते हैं कितना, t की वैल्यू को लिख सकते हैं 0.9 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई जी। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, एंड x इज u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू 0.9। अब चाहो तो यहां पर 2 कर सकते, वैसे कोई जरूरत है नहीं, 2 करेंगे तो ऊपर साइन 2 थीटा जाए, कर देते हैं 2, और 0.9 को लिख देते हैं क्या, 3.9 इज 1.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1.8 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नहीं नहीं, मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, हमें x निकालना था ना, यहाँ लिटिल बिट मिस्टेक, तो मैं भूल गया हूँ मैंने क्या किया। हमें x निकालना है ना, तो x निकालना है, तो x इज u cos थीटा इंटू टाइम, एंड टाइम इज 0.9 u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे लिखा रहने देते ना। तो न्यू रेंज विल बी प्लस कितना, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू 0.9 इंटू 0.9, और डी बाई टू हमें पता था, डी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, तो डी बाई टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहां पे, इसको हटा देते हैं, डी बाई टू लिखते हैं, यू स्क्वायर डी बाई टू इज यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसको लिख दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, और फर्दर जो आया दैट इज यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू 0.9। तो यहां से इसको कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, अंदर बचेगा 1 प्लस 0.9 मतलब 1.9, और इसको लिखना है ओरिजिनल रेंज के फॉर्म में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, राइट, क्योंकि उसने लिखा है डी डैश इज इक्वल टू एन डी, तो ये लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है दिस रिजल्ट इज डी, तो दिस इज डी इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.95। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 0.95। चेक करते हैं इसका आंसर, 0.95। कैलकुलेशन, बेसिक क्लास 11th के फॉर्मूले, 11th का स्टूडेंट था मेरा, उसने बोला मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, मुझसे हो गया, He is just starting preparing, ठीक है ना, these questions are making J advanced difficult, no,
द वन थिंग दैट इज मेकिंग जे एडवांस डिफिकल्ट इज योर फियर एंड फियर ऑफ कैलकुलेशन. अरे इत्मीनान से करो, मैं तो तब भी थोड़ा लापरवाही से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है कि एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा जो होना था हो चुका है ना. हाँ, तुम्हें फोकस से करना पड़ेगा, ठीक है ना. एक एक स्टेप प्रॉपरली लिखना है, जो लिखता है आराम से उसका आंसर निकल के आएगा. इज इट ओके? यस. ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर. तो क्या मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के बारे में? ये बहुत हिलाने वाला क्वेश्चन था, डराने वाला क्वेश्चन था, आईटी में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट था. क्या बोलना है? ये सब बातें इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं. फिलहाल तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक जो बोल सके कि नहीं बिल्कुल हिलाने वाला था और बहुत रिगरस प्रिपरेशन की जरूरत है, बहुत डिफिकल्ट होता है. नो. ये तो हो चुका है. अगले क्वेश्चन. ओ हो, वेरी गुड, आई लाइक दिस क्वेश्चन. कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक. अभी रिसेंटली मैंने इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अपनी क्लास में डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली 2 or 3 days बैक. ठीक, चलो ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछता तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ भी डिस्कस करो, वही चीज़ें आती. सिलेबस तो फिक्स है ना. ओके, अब आगे ऑब्जेक्टिव. अभी तक न्यूमेरिकल टाइप के चल रहे थे. मीडियम हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ग्रेटर देन 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. मतलब ये वाला केस दे रहा है. The plates have large area. Large area इसलिए इसने बोला है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मान सको कि यूनिफॉर्म है, फ्रिंजेस नहीं है, मतलब इनफाइनाइट प्लेट का अप्रॉक्सीमेशन. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी एस सोन इन द फिगर ए. नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी बाय 2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन एज सोन इन द फिगर बी. पहले कैपेसिटर था, डायलेक्ट्रिक था, डी डिस्टेंस था, प्लेट एरिया बड़ा था, एक बैटरी थी जिसका पोटेंशियल ड्रॉप बी था, और बाद में उसने क्या किया, प्लेट को पकड़ा और दोनों को डी बाई टू से खींच लिया. ये तो पता चल रहा होगा ना, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा. दोनों प्लेट के पास अपोजिट साइन के चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हम क्या कर रहे हैं, इन बेचारों को जुदा कर रहे हैं. ठीक है ना, तो जुदा कर रहे हैं तो इस बात का अपोज करेंगे, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में हमने वर्क किया. अब इस रीजन पे आ गया एयर, इस रीजन पे आ गया एयर, या फिलहाल वैक्यूम बोल सकते हैं क्योंकि इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. ओके, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस गिवन है. एक प्रॉब्लम आई थी इस बार, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, एक साथ स्क्रीन में दिख नहीं रहे थे, तो काफी लोग इसी से पैनिक हो गए. नो, पैनिक नहीं होना है, नहीं दिख रहे हैं, आराम से स्क्रॉल करके देख लेंगे, क्योंकि पैनिक होंगे तो फिर जो सामने वो भी नहीं दिखने वाला, तो जो सामने वो भी ना दिखे ऐसी सिचुएशन खुद नहीं क्रिएट करनी. एडवांस ये भी तो चेक करता है ना कि तुम हाउ टू डील विद प्रॉब्लम. ठीक, एक प्रॉब्लम आई कि पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बस तुम इसी से परेशान हो रहे हो. ये प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती, नहीं दिख रहा है, ठीक है अगले पेज पे जाके देख लेंगे, बट पैनिक हुए तो जो आंखों के सामने है वो भी नहीं दिखेगा. तमाम बार ऐसा होता है कि आंखों के सामने कुछ होता है बट समझ में नहीं आता, दिखते नहीं क्या है वो. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन डिपेक्टेड इन द फिगर ए टू दैट फिगर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मतलब मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डायलेक्ट्रिक मटीरियल इज रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 2K. पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, उसने बोला है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक के अंदर 2K से रिड्यूस हो रही है. चेक करते हैं, क्या बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप बदला है? नहीं बदला है. बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदला है. और उसने बोला, पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से रिड्यूस हो चुकी है, तो मुझे बता सकते हो इस समय यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ईवन मान लेते हैं, एंड वी इक्वल टू ई डी, तो ईवन इक्वल टू वी बाई डी. सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है ना, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इंटू डी इज इक्वल टू वी. तो यहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी इतना. ओके, अब मैंने क्या माना,
कि अब ये डिस्टेंस हो चुका है कितना, दिस डिस्टेंस इज 2d, दिस डिस्टेंस इज 2d, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो चुकी होगी e डैश, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई होगी e डैश डिवाइडेड बाय k, और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा e डैश। ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बदली होगी, अगर मैं तुमसे पूछता बड़ी होगी घटी होगी, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड में वही पोटेंशियल्स आ जाएंगे, तो ये बात तो सर्टेन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर दे। हाँ यही बोलता है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2d 2k, तो मैं सोचता भी नहीं, उसको रॉन्ग टिक कर देता, क्योंकि प्लेट का गैप बढ़ने का मतलब है कि वही पोटेंशियल ड्रॉप अब छोटी फील्ड बना सकती, तो ई तो रिड्यूस हुआ है लेकिन इस अमाउंट से हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करना। ओके तो यहां पर अब क्या लिख सकता हूं, d/2 d/2, तो इतने रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा e-d/2, और इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा e-d/2, मतलब इतना, और इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा e-d/k/d, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, एंड नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप इज e-d 1 प्लस 1/k, और हमें एक्चुअली ये निकालना था डायलेक्ट्रिक, उसने पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, तो हमें निकालना था e-d/k, तो e-d/k निकाल लेते, e-d/k इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो v राइट साइड पर था, 1+k आएगा, d को नीचे लाएंगे तो 1+k तो राइट से इधर चला जाएगा, 1+k नीचे आ गया बी के, और k जो था मैंने यही छोड़ दिया, इसका मतलब जो न्यू फील्ड आ गई, और ये v by t क्या था, v by d क्या था, that was original field, that was e1, तो e1 divided by 1+k, इसका मतलब इस dielectric के अंदर field reduce हुई है, but 1/k+1 हो चुकी, मतलब k+1 factor से reduce हुआ है करके, so this answer is wrong। आपको क्या क्या डिफिकल्टी के लेवल क्या है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलता हूँ कि सेकंड पेपर है बेसिक काम सर्किट्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, अगर इन तीन बातों की एक बेसिक जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारे डिस्कशन उसी के बेसिस पर होते हैं, इज इट ओके। ओके चिल्ला चिल्ला के खांसी आने लगी, इतना चिल्लाते हैं फिर भी समझ में नहीं आते, आईटी का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, पता नहीं कब समझ में आएगा। ओके बी पार्ट पे आते हैं, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ k+1, तो कैपेसिटेंस पहले निकाल ले, दूसरे पार्ट को हेलो सॉल्व कर देते हैं, तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था k εo a/d, और फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना εo a/d, इसका निकालना है, तो इसका टोटल डिस्टेंस था 2d, लेकिन d में डायलेक्ट्रिक और d विदाउट डायलेक्ट्रिक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना d+d/k, तो दिस विल बी इक्वल टू εo a/d, और नीचे आ जाएगा 1+k और divided/k, वैसे ऐसे 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 डायरेक्ट कर सकते हो, साइलेंट नॉट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका बता रहा हूँ, 2d डिस्टेंस था, इसमें से d हटाया और d को किस में कन्वर्ट कर दिया, डायलेक्ट्रिक में, तो बचा कितना d+d/k, तो कैपेसिटेंस पहले कितना था k εo a/d, और अब k εo a/d/1+k, मतलब c1/k+1, इसका मतलब कैपासिटर k+1 फैक्टर से डिक्रीज कर चुका है, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ k+1, इसका मतलब है ये वाला आंसर करेक्ट है, बी पार्ट इज करेक्ट। अब सी को चेक कर लेते, वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ k+1, मजाक कर रहा है, बैटरी बदल नहीं रहा है, एंड हु इज गवर्निंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज ओनली बैटरी, इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बदलने वाला है, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पर,
वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल। मुझे ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है तो सही पूछा है। वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल। अब ये कैसे सोचना है? एक तरीका तुम्हारे पास है और वो तरीका है कि कैपेसिटर के पास पहले एनर्जी थी हाफ, वी तो बदल नहीं रहे, तो हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर, और बाद में एनर्जी है हाफ सी टू इंटू वी स्क्वायर। अगर कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक पर डिपेंड ना करता तो मैं बोलता क्यों डायलेक्ट्रिक पर डिपेंड, तो वर्क डन भी डायलेक्ट्रिक पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जब कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करोगे तो वहां पर के फैक्टर्स आ रहे, जब सारी वैल्यूज पुट करोगे वर्क डन कितना आएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब ये भी मैं सोचना है कि यहां पर कोई लॉस होने वाला है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस जॉब स्लोली, और अगर हम ये जॉब स्लोली कर रहे हैं इसका मतलब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो गिवन है नहीं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट होना नहीं। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा वर्क डन, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ सी टू माइनस सी वन इंटू वी स्क्वायर, ओके। और सी टू माइनस सी वन निकालना है, तो ये तो सी टू था, सी टू की वैल्यू सी वन बाई दिस, तो सी टू माइनस सी वन निकालेंगे तो सी वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन माइनस सी वन, और माइनस सी वन सिंपली, तो दिस विल बी सी वन इंटू वन माइनस वन बाई के, तो वन वन कैंसिल होगा, के डिवाइडेड बाई के प्लस वन। इसका वैसे निगेटिव आ रहा है, मतलब वर्क इस कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और जो एनर्जी जा रही होगी बैटरी में जा रही होगी। इस केस में अगर हम लोग देख रहे हैं पहले हाफ सी वन वी स्क्वायर था और कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर, डिक्रीज बाय ए फैक्टर नहीं, डिक्रीज हो रहा है ना, और डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कैपास फाइनल लिखना चाहेंगे तो फाइनल इज हाफ सी टू वी स्क्वायर और इनिशियल इज हाफ सी वन वी स्क्वायर, तो C2 की वैल्यू C1 से छोटी, तो हमें लिखना चाहिए हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर, तो फैक्टर यही आने वाला है। और ये फैक्टर आने का मतलब है कि वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन K, और वर्क डन अगर K पर डिपेंड कर रहा है तो फिर ये ऑप्शन भी गलत होगा। जो भी एनर्जी आ रही है तो K पर डिपेंड कर ही रही ना, इसका मतलब इस प्रोसेस का जो वर्क डन है दैट विल डिपेंड ऑन की। वैसे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉजिक्स हैं, सोच सकते हैं वहां पर कि डायलेक्ट्रिक के होने से क्या फर्क पड़ेगा और डायलेक्ट्रिक के ना होने से क्या फर्क पड़ता, तो वहां से भी आंसर आता। अगर डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो फील्ड के वेरिएशंस अलग होते, तो फोर्स अलग होता, डायलेक्ट्रिक आने की वजह से डिफरेंट चार्जेस आएंगे, डिफरेंट फोर्सेज आएंगे। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक। मैं इसको भी डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर हम जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कंसेप्चुअल तो पढ़ेंगे, हाँ उनके लिए नहीं है जो सीरियस सिंपली फार्मूला। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फार्मूले से आ जाते हैं, ठीक है ना, बट ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो वहां पर फार्मूला नहीं यूज करना है, हमें समझना है ऐसा क्या है। वैसे वो भी तो फार्मूले से आ ही रहा है ना, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं रख सकते कि हमें जे एडवांस का पेपर डराना शुरू कर दे। ओके, आगे चलते। कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक, 9, मतलब हाफ ऑफ द पेपर इज एक्सप्लेन्ड। ओके 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 ओके, रिप्रेजेंटेशन तो इतना बड़ा सर्किट, 1 2 3 4 लूप, 4 इक्वेशंस, नो, कुछ ना कुछ तो सिंपल है और एकदम बिल्कुल 12th के इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक। कैलकुलेशंस हो सकता है क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने ऑप्शंस दिए हैं, उसने कई सारे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ओके, चारों पर उसने पूछा है करंट कितना आएगा। आर वन कहाँ है दिख नहीं रहा, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर सेवन, तो इन पर उसने करंट पूछा है, R1, R2, R3, R5
और इनका करंट 7.2, 1.2, 4.8, 2.4, मतलब हमें कैलकुलेशन तो करना है। ओके, सारे रजिस्टर अगर क्वेश्चन देख रहे होगे तो सबके रेजिस्टेंसेस 1 होगा। अरे 1 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 1 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। R1, R2, R3, R5 के लिए करंट पूछा है, ये सब 1 होगा। 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, और ये भी 1 ohm। ओके, आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, ये 111, ये 111, और बैटरी केवल इस लाइन पर। तो मैं एक बात बोलता है ना, अगर कोई चार्ज ऊपर जाएगा तो उतने नीचे जाना होगा, करंट मतलब, अगर कोई करंट यहाँ जाएगा तो वैसे यहाँ जाएगा। तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एक जैसे है ना, तो जैसे पोटेंशियल इधर गिरेंगे वैसे पोटेंशियल यहाँ पर भी गिरेगी, तो इस एंड का और नीचे वाले एंड का पोटेंशियल सेम आएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस सर्किट को फ्लिप करके इसी में जोड़ देता हूँ आकर, ठीक है ना, इस सर्किट को फ्लिप कर देते हैं, और 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरी दे रहे हैं, E1 की वैल्यू 6 वोल्ट और E2 की वैल्यू 12 वोल्ट, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को फ्लिप करा सकते हैं। अब हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, एक बैटरी थी ये, इसके साथ एक रजिस्टर था, एक दूसरी बैटरी थी, इसके साथ एक रजिस्टर था, E2 की वैल्यू थी 6, E1 की वैल्यू थी 12, और इन सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू थी 1। एक रजिस्टर यहां से था और एक रजिस्टर यहां से कनेक्टेड था और एक रजिस्टर यहां से कनेक्टेड था और ये सारे के सारे 1। तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ऐसे बोल सकते हो एक और आ गया, इधर से एक और आ गया ऐसे, और नीचे से एक और इधर भी आ गया, और ये सब कितने 1 1 1 1 1 1, इतना। अब हमें 2 लूप दिख रहे हैं और इन 2 लूप में इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। तो दोनों वोल्टेज अलग अलग है ना, राइट, और वोल्टेज अलग अलग है तो ये बैटरी ज्यादा पावरफुल है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर करंट की वैल्यू कुछ आई, कैपिटल आई, और यहां पर करंट की वैल्यू स्मॉल आई, तो इस सेक्शन में जो करंट जाएगा वो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखेंगे तो कैसे, पहले सर्किट में लिख देते हैं। तो यहां पर मैं ड्रॉप की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानता हूं, तो दिस इज सिंपली प्लस आई माइनस 6, और ये 1 और 1 पैरेलल में थे, तो 1 और 1 अगर पैरेलल में तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा हाफ, और इस पूरे सेगमेंट पर करंट जाएगा आई, तो इसको लिख दूंगा आई बाई 2, और फिर ये 1 और 1 भी पैरेलल में थे तो इनका भी हाफ आएगा, करंट के ऑपोजिट जाएंगे, तो माइनस 1/2 इंटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, तो अगर सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं कैपिटल आई इंटू 1 और माइनस 12, और इन दोनों का हाफ आएगा, तो प्लस हाफ इंटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, और इन दोनों का भी हाफ है और इसमें करंट कैपिटल आई था, तो प्लस कैपिटल आई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इन 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक, और 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ये काम हम हाई स्कूल में करते रहे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, राइट। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i माइनस 12 प्लस आई माइनस कैपिटल आई और प्लस स्मॉल आई इज इक्वल टू 0। 2i प्लस आई 3i प्लस आई 4i, तो दिस इज 4i, वेक्टर लगा दो, आई कैप की याद आ जाती। ओके, माइनस कैपिटल आई इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन आ गई। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कैपिटल आई माइनस 24 प्लस कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई और प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू 0। 24 को राइट पर ले जाते हैं और वो यहां लिख देते हैं, इसके बाद 2i प्लस आई 4i,
तो दिस इज फोर कैपिटल आई। स्मॉल आई चेक कर लेते, स्मॉल आई में केवल एक है माइनस स्मॉल आई। इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर वाले को फोर से मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर वाले को फोर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 16 स्मॉल आई माइनस फोर कैपिटल आई इज 48। और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल होगा एंड 16 माइनस 1 दैट इज 15 आई। और ये 24 प्लस 48 72, तो आई की वैल्यू आ गई 72 डिवाइडेड बाय 15। कितना सॉल्व कर लेते हैं, स्मॉल आई की वैल्यू आ गई 4.8। और स्मॉल आई मैंने यहां पर माना था, इसका मतलब यहां पर जो करंट जाएगा दैट इज 4.8। और इधर कितना गया स्मॉल आई, तो स्मॉल आई का आधा इसमें डिवाइड होगा आधा इसमें डिवाइड होगा, मतलब इधर जाएगा कितना 2.4 और इधर भी कितना जाएगा 2.4। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं कैपिटल आई की। तो कैपिटल आई की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आई को निकालने के लिए इसमें वैल्यू स्मॉल आई की पुट कर देते हैं किसी एक रिलेशन में। तो यहां से सॉल्व करते हैं, कैपिटल आई इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आई एंड स्मॉल आई इज 4.8, तो 4 इंटू 4.8 माइनस 12 दिस इज 19.2 माइनस 12 एंड दिस विल बी 7.2। कैपिटल आई की वैल्यू 7.2 और मैंने यहां का करंट माना था कैपिटल आई, तो दिस इज 7.2 और यहां पर भी करंट कितना आएगा 7.2। ओके, अब करंट को और डिस्ट्रीब्यूट करते, इधर जो करंट जा रहा था वो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, तो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई भी निकाल लेते हैं। कैपिटल आई कितना था 7.2 और स्मॉल आई कितना था 4.8, तो 2.4। तो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इज 2.4, मतलब यहां से जा रहा था 2.4, आधा इस पे जाएगा आधा इस पे जाएगा, इसका मतलब इधर जाएगा कितना 1.2 और इधर कितना जाएगा 1.2। इज इट ओके, इधर आ जाते हैं, इस पे कितना करंट था कैपिटल आई और इस पर अगर करंट कैपिटल आई था और कैपिटल आई की वैल्यू थी कितना, कैपिटल आई 7.2, तो 7.2 का आधा इससे जाएगा 3.6 और आधा इससे जाएगा 3.6, मतलब इस साइड से आएगा कितना 3.6 और इस साइड से आएगा कितना 3.6। मुझे तो सारे करंट्स मिल गए 1.2, 2.4, 3.6। अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या, केवल कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। और अच्छे बच्चों में से किसी ने गड़बड़ किया है तो जस्ट बिकॉज दे वर पैनिक इन द एग्जाम, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन दिया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन आर वन इज 7.2, आर वन सेवन पॉइंट टू दैट इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन आर टू इज 1.2, आर टू में करंट फ्लो कर रहा है 1.2, बी ऑप्शन करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन आर थ्री 4.8, आर थ्री कहां दिख रहा है, आर थ्री में जो करंट जा रहा था 4.8, वो भी करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन आर फाइव, और आर फाइव है कहां भाई, घुमा घुमा के दिए 2.4 इन आर फाइव, ये वाला करेक्ट। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट। बोलो ये क्वेश्चन क्या जे एडवांस के पेपर को डिफिकल्ट बनाता है, नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही गया क्या कि एक सर्किट और सर्किट में केवल रजिस्टर है और बैटरी, सॉरी रजिस्टर, हाँ रजिस्टर्स एंड बैटरी, एंड दिस क्वेश्चन इज मेकिंग जे एडवांस पेपर डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल, इट्स यू हु आर मेकिंग दिस डिफिकल्ट। ओके, कैलकुलेशन है यार, तो बोलता तो हूं ना कैलकुलेशन करना सीखो। अब फोन पे कैलकुलेटर रख रखा है, उससे कैलकुलेट करो तो क्या कर रहे हो, अपने कैलकुलेशन को तो बर्बाद कर ही रहे हो ना। और हमें सब आता है ठीक, क्या फर्क पड़ता है, हमने पूरा प्रोसेस सही किया और लास्ट में आंसर गलत कैलकुलेट कर दिया।
क्या फर्क पड़ा तुम्हारी पढ़ाई का? निल, घंटा फर्क पड़ा। अरे आता है ठीक है, लेकिन सही से आंसर लिखेंगे तभी तो माना जाएगा कि नहीं आता है ना हमें। और हम आंसर लिख के नहीं आ रहे, बोलते नहीं मुझे फिजिक्स पूरी आती, मुझे सारे सब्जेक्ट आते। एक छोटी सी बात है कैलकुलेशन, नेवर यूज कैलकुलेटर बिफोर जे एडवांस। मैं तो कहूंगा जीवन भर मत करना, क्योंकि दिमाग की कैलकुलेशन जरूरत तो हमेशा पड़ती रहेगी ना। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमें हमेशा कैलकुलेट कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे। व्हाई वी आर यूजिंग कैलकुलेटर्स, आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट डोंट यूज कैलकुलेटर, ठीक? नहीं तो यही हालत होने वाली, गलत आंसर निकलेंगे। ओके okay.